खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर डायरिया से पीड़ित मरीजों का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को अचानक से डायरिया का प्रकोप मुबारकपुर में फैल गया, लेकिन अब धीरे धीरे कई मोहल्ले में डायरिया का प्रकोप फैलना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक डायरिया से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, हालांकि प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। शनिवार दोपहर तक डायरिया से मरीजों की संख्या 500 पार कर गई थी, जबकि आज राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर से 35 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं डायरिया पीड़ित मरीजों का हालचाल लेने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में सपा नेता मिर्जा मसीहुद्दीन बेग आज दूसरे दिन राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर पहुंचे, जहां मरीजों से हालचाल एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की जानकारी ली तथा 150 मरीजों को फल वितरण किया। इतना ही नहीं, आज जो 35 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं तथा उनके परिजनों को गुड्डू मिर्जा ने अपने निजी फंड से एक बस चक्रपानपुर मंगाया और सभी को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। वहीं गुड्डू मिर्जा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डायरिया का प्रकोप मुबारकपुर में फैला हुआ है तथा जिन सीरियस मरीजों को रेफर चक्रपानपुर किया गया है, आज उन मरीजों का हालचाल लेने और उन मरीजों में फल वितरण किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया राजकीय मेडिकल कॉलेज इस महामारी में सभी को बेहतर इलाज दे रहा है। गुड्डू मिर्जा ने बताया कि आज जो भी मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, उन सभी को हमारे द्वारा एक बस बुलाकर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये अभी जो महामारी आई थी, समझे कि महामारी का ही रूप था, एक डायरिया का प्रकोप जो मुबारकपुर में बलुआ गांव में आया हुआ था, उसमें बहुत लोग परेशान हुए। 300 से ज़्यादा लोग जो है इससे पीड़ित थे, तो कुछ लोग यहाँ भी आए हुए हैं और यहाँ उनका अच्छा इलाज हुआ। कल भी मैं आया था, मैं देख के गया, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और आज भी आया, बहुत से पेशेंट जो भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, साफ़ सफाई और यहाँ का स्टाफ ने बहुत अच्छी खिदमत सेवा की इन लोग की। और अभी हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया ये PGI कॉलेज जो है हॉस्पिटल, ये समझ लें कि इन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, जो पेशेंट यहाँ आया अच्छी तरह से स्वस्थ हुआ। कल मैंने खान पान सेवा सब कुछ अच्छा देखा यहाँ पे, और आज बहुत लोग को, वही मरीज जो कल सीरियस दिख रहे थे, आज स्वस्थ थे। तो यहाँ आए, हमें जो थोड़ा मोड़ा हो सकता है हमारे साथ से हम इनके साथ कर रहे हैं, वैसे यहाँ सेवा तो अच्छी मिली है। अब यहाँ यातायात के लिए, वापस जाने के लिए जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, बस का इंतज़ाम किया जा रहा है कि एक साथ डिस्चार्ज होकर सारे लोग अपने गांव तक, घर तक पहुंच सके। और जो थोड़ा मोड़ा फल वितरण करना था वो किया गया, जो फल वितरण किया गया वही लमसम आप समझे 130-150 समथिंग लोग रहे होंगे। काउंटिंग तो इसमें की नहीं जा सकती, सारे लोग अपने ही थे, तो जितने लोग थे सब लोग को दिया गया है। और अच्छा ये लगा कि सारे करीब करीब स्वस्थ होने के करीब हैं, और मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर वो लोग घर पहुँच जाएँगे। और यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टाफ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने पूरे मन से सेवा की है और लोगों को जो है स्वस्थ होने में अच्छी भूमिका निभाई है। धन्यवाद। परसों से हमारा लड़का, हाँ हमारा लड़का था, मसारिम करके आया है और उसके बाद हमको हुआ यहाँ आने पर। बहुत अच्छा इंतजाम, अच्छी मिल रही है जी। डॉक्टरों का इलाज बहुत अच्छा रहा, खास सबसे सायका का इतना ज़बरदस्त रोल रहा है ना। ये हमारे मोहल्ले की बच्ची हैं, अरे गुड्डू मिर्जा जो है इनकी भतीजी हैं। अच्छा। मुन्ना काफ़ी सहयोग रहा, बहुत बहुत अच्छा सहयोग रहा है। एडमिट मंगलवार को 2 बजे से, मंगलवार को 2 बजे रात में छुट्टी हो रही है क्या? आज छुट्टी हो रही है। अच्छा, कैसा इलाज रहा यहाँ का? अच्छा हुआ है इलाज, और काफ़ी लोग मदद की है, और आपके भतीजी जो है गुड्डू जमाली साहब के भतीजे में, हर गुड्डू मिर्जा साहब की लड़की जो डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी से देखभाल हमारी करी। हम कहा कि हम मुबारकपुर से आए हैं, तो फौरन लोग आकर रात में लग गए। अब तक मतलब इलाज जारी रही। और खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? अच्छा था। छुट्टी हो रही है क्या यहाँ से? छुट्टी हो रही है। कितने दिन पहले एडमिट हुए थे? 4 रोज पहले। 4 रोज पहले आज जा रहे हैं, बस लगी हुई है, कैसे, किनके द्वारा लगी हुई है? ये गुड्डू मिर्जा के द्वारा लगी हुई है। फ्री सेवा है? फ्री सेवा है।